खबर मध्य प्रदेश के रीवा शहर से है, जहां आज कलेक्टर मनोज पुष्प ने रीवा के वेंकट भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान नगर निगम कमिश्नर, जिला पंचायत सीईओ सहित कई आला अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर रीवा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया, वेंकट भवन काफी पुरानी धरोहर है, कई सैलानी घूमने के लिए आते हैं जो काफी दिन से बंद पड़ा है। इस वेंकट भवन में हम लोग कई कार्यक्रम आयोजित करेंगे, जैसे बच्चों की पेंटिंग, डांसिंग प्रतियोगिता जैसी कई अन्य कार्यक्रम की योजना बनाई जा रही है। वहीं इस भवन को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, जिसका आज निरीक्षण किया जा रहा है और जो भी कमियां हैं उसको पूरा किया जाएगा। आइए हम आपको सीधा ले चलते हैं रीवा कोठी कंपाउंड वेंकट भवन की ओर, जहाँ प्रशासन ने निरीक्षण किया और कलेक्टर ने मीडिया से क्या कहा है। पिछली बार काम लगाया था, इसको तो चालू करते ही पेंटिंग बड़ा ही अच्छी धरोहर है और इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको और सजाया जाए और यहाँ पे फुटफॉल भी बढ़ाया जाए। अभी रीवा का जो गौरव दिवस मनना है उसके भी हम लोग यहाँ कार्यक्रम करेंगे, कुछ क्लासिकल कार्यक्रम भी करेंगे और बच्चों के कुछ पेंटिंग के कंपटीशन भी प्लान कर रहे हैं हम लोग। तो ऐसी सभी जगह जो रीवा के गौरवशाली इतिहास से जुड़ा हुआ है उससे रीवा के लोगों को जोड़ने का एक क्रम प्रारंभ करेंगे। इसके लिए हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाकर भी भेजेंगे ताकि पुरातात्विक महत्व का ये हमारी जो धरोहर है, ये इसकी खूबसूरती भी बनी रहे, यहाँ फुटफॉल भी बढ़े और इसको बच्चों को रीवा के इतिहास को जानने के लिए ये एक जरिया भी बने। सर, यहाँ से एक वो सुरंग भी जाती है जो कि अभी बंद पड़ी हुई है, बरसात के समय बंद हो जाती है। 15 नवंबर के बाद फिर इसको ठीक ठाक करके जो प्रक्रिया है 15 नवंबर के आसपास फिर इसको फिर से चालू किया जाएगा। सर, सामने अमरा कोठी भी है और वो भी इन भवनों को भी हम लोग देखेंगे और ये कोशिश होगी कि हम ऐसे सभी पुरातात्विक धरोहर की जो चीज़ें हैं उनको सहेजें, संवारें और उसको रीवा के लोगों के साथ जोड़ने की कोशिश करें। थैंक यू सर।